हेलो जी, बहुत ज्यादा फ्लैश पड़ रही है बाहर बाहर फ्लैश तो ऑन नहीं है। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, अभी का व्लॉग अभी जस्ट खत्म हुआ है, जहाँ हम लोग बंद कर एक मिनट फिर मैं लॉक हाँ जी। सो अभी जस्ट पहुँचे हैं फार्म हाउस, क्योंकि बिल्कुल पास था जहाँ पर हमने मत्था टेका था, तो मत्था बहुत अच्छे से टिक चुका है। बेबी अभी 40 डेज का हो चुका है और वो आपने अभी के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो हमने सोचा कि फार्म हाउस भी साथ में है, तो फार्म हाउस भी एक बार बेबी को दिखा के जाएं। तो अभी बस वहीं पर फार्म हाउस जी है जितनी भाई मुझे नॉलेज है यहाँ के बारे में, मैं वही बताऊंगी ना। अभी अगर नहीं पता है तो फिर पीछे से चलो अभी ने बता दिया, चलो ठीक है। नहीं, खेता की है सारे कुछ। हाँ, पर जहाँ पर है उसके पास ही है ना हमारा फार्म हाउस। ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਬੇਬੀ ਕੋ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਬ ਸੇ। ਚਿੰਤ ਥੋੜਾ ਮੂਡ ਰੈਸਟ ਕਰ। ਹਾਂ, ਬੇਬੀ ਕੋ ਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। तो अभी मत्था टिक चुका है और अब कल होगा, कल हम क्लाउड नाइन जा रहे हैं, बट अभी हम बेबी का फेस हम रिवील कर देंगे। इसके बाद जो ब्लॉग्स आएंगे उसमें तो आप लोगों की जितने लोगों की शिकायतें थी कि फेस नहीं दिखाया, फेस नहीं दिखाया, सब दूर हो जाएगी। अब तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। बोला जा रहे ये लाइट फैन लाइट बहुत वाइब्रेंट है। मैं ये टीवी है ना, क्यूट है। पहले टीवी नहीं लग रहा था, अलग स्पीकर है टीवी। ए टीवी किन्ने दा? थोड़ा जा होर है जी, चलो गर्म एसी च रख दे। अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ पेंडिंग है जो करने वाला है। आगे जो फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं, किसी ने कमेंट किया तो इतनी गर्मी दे विच फंक्शंस कर रहा है, लेट करी है अगले साल में, इतनी गर्मी है क्यों इनने वो कर रहे, मौसम के हिसाब से रखना चाहिए। बट सॉरी, यू कैन वेट, जो है जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम पे होना चाहिए। तो बस अभी एक हफ्ता बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, कंटिन्यू ट्रैवलिंग है। सो रेस्ट तो वैसे भी मिल नहीं रही है क्योंकि नींद भी पूरी हो रही है। आगे फिर से लेट्स गो। चलो फुल्लू लाल सारे फुल्लू लाल क्यों कहते हैं?
ਪੁੱਲੂ ਲਾਲ चलो मेरे दिन बाय बाबू चाचा चाबी लिया कोई मच्छर मुच्छर ना बन जाए बाबू चाचा जी तेरे खोलो गड्डी गड्डी का ओपन बटन कर दबियो खोलो नहीं खोल दो दरवाजा पे लो मच्छर बढ़ जाने गर्मी सो जी सुनिया घर पे और पता नहीं नींद नहीं पूरी हो रही है क्या हो रहा है इतना ज्यादा क्लोजअप ले रहा है ना मेरा नहीं वाइड च करता सी मैं सो पता नहीं नींद नहीं शायद पूरी हो रही है अभी हार्डली फार्म हाउस से घर का रास्ता होगा कोई 5 मिनट का नींद आ गई मेरे को 5 मिनट में और घर पे अभी आई हूँ नींद भाग जाएगी देखना कोई नींद नहीं आई खाना भी खाना है तो बस और अब हमारी ना गाड़ी ख़राब हो गई है सो क्योंकि कल से ड्राइविंग चालू है तो दोनों टायर पंचर हो गए थे पता नहीं हवा निकल गई थी और कुछ सर्विस भी करानी थी तो अभी सर्विस करके घर आई है गाड़ी तो अभी वही देखते हैं कूलिंग कोयल तो हम दे ली थी ना जी ठीक है कोयल की कोयल भी साथ में सारी पटने पर बैठा नहीं ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं ठीक होता है ये तो आई है अच्छा बहुत कूलिंग पूरी कर रही है मन का बस कूलिंग अंग तो हो अपना हेलो जी सो गाइस डिनर वगैरह हो चुका है और बेबी को भी फीड करा के सुला दिया अभी भी सो गए हैं क्योंकि कल हमको जाना है सुबह तो नहीं मतलब 12 बजे निकलेंगे क्लाउड 9 हॉस्पिटल बेबी की वैक्सीनेशंस हैं कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट ली है तो मैं भी कोशिश करूंगी सोने की कोशिश ही हो सकती है सोया तो कहाँ ही जाता है क्योंकि फिर वही 2-2.5 घंटे बाद ये हो जाएगी फीड के लिए तो ऑन ऑफ ही होगी स्लीप बट एनीवेज ट्राई करूँगी सोने की और आज का दिन बहुत अच्छा गया है फाइनली मत्था टेक चुका है अब हम लोग बाहर जा सकते हैं बेबी को भी बाहर लेके जा सकती हूँ और बेबी का फेस भी 1-2 दिन में रिवील कर देंगे हम लोग बस हमें टाइम मिल जाए शूट करने का जिस यू नो हिसाब से हमने सोचा है कि बेबी का फेस रिवील करेंगे सो कल जाएंगे हॉस्पिटल से वापस आने के बाद ही मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर पाऊँगी बेबी के फेस रिवील का और उसके बाद ही आप लोगों को दिखा पाएंगे बस यही है और अभी टाइम हुआ है 12:30 और मुझे नींद भी आ रही है तो अभी सोचो 1-1.5 घंटा जो भी है मैं सो जाती हूँ तो बस ये जो व्लॉग है प्रेंट करती हूँ आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो मिलती हूँ कल सुबह नए ब्लॉग के साथ तब तक